श्री राम समर्थ, अप्रैल 19। भवरोग से मुक्ति का उपाय सत्संगति और नामस्मरण। एक गांव में एक वैद्य रहता था। उस वैद्य को किसको क्या रोग हुआ है यह उसका मुंह देखकर समझता था। उस वैद्य ने एक आदमी को घर के पास से गुजरते हुए देखा तो उसे घर में बुलाया। वैद्य ने उस आदमी से कहा, तुम्हें एक भारी रोग हुआ है, मैं बताता हूँ वह दवा, यदि तुम लोगे और जैसा कहता हूँ वैसे पथ्य से रहोगे तो तुम रोग से ठीक हो जाओगे। वैद्य ने जो दवाई बताई वह उस रोगी ने नहीं ली और जो पथ्य कहा वह उसने नहीं किया, तो वैद्य जी का क्या नुकसान होता है। इसी तरह गुरु या संत जो कहते हैं या मार्गदर्शन करते हैं उसके अनुसार व्यवहार करने पर हमें लाभ ही होता है। वे कहते हैं कि हमें भवरोग हुआ है और उसे मुक्त होने के लिए कहते हैं, सत्संग करो और नामस्मरण करते रहो। अब दवा मामूली है तो वह गुणकारी नहीं, ऐसा कहने से क्या लाभ। संत जो कहते हैं वह अनुभव लेकर ही कहते हैं। तुकाराम महाराज ने अपनी उपासना की शपथ लेकर कहा है कि नामस्मरण जैसा सरल साधन दूसरा नहीं है। तुम्हारा आजकल के साधुओं पर विश्वास न हो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हें समर्थ रामदास स्वामी और संतवर तुकाराम महाराज जैसे महान पुरुषों के वचनों पर विश्वास करने में क्या आपत्ति है। उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही यह साधन बताया है। यदि तुम उसका आचरण नहीं करोगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। अतः इस पर विचार करो। पहले हमें इस पर विश्वास होना चाहिए कि हमें भवरोग हुआ है। यदि ऐसा विश्वास हो गया तो मानो आधा काम हो गया, अर्थात भवरोग आधा कम हो गया। क्योंकि हमें रोग हुआ है ऐसा पक्का विश्वास होने पर हम दवा लेने से कतराएंगे नहीं। जब देख लिया कि हमें गृहस्थी से सुख नहीं मिल रहा है तो हमें जिस उपाय से सुख मिलेगा उसके प्रयत्न में लग जाना चाहिए। इसलिए तुम जितना नामस्मरण कर पाओगे उतना करो, तब तुम्हें सच्चा संतोष मिलेगा। एक आदमी ने 30 साल तक मन लगाकर नौकरी की, उसके बाद उसने कहा, भगवान की पूजा और भक्ति कैसी करनी चाहिए यह मैंने नौकरी से सीखा। उससे पूछा, वह कैसे? तब उसने उत्तर दिया, नौकरी में अफसर की मर्जी के अनुसार चलना पड़ता है, वह जहाँ बदली कर दे वहाँ जाना पड़ता है, फिर उस समय घर में अड़चन हो तब भी हमारा बस नहीं चलता, यानी अपना काम अलग रखना पड़ता है। अब मैं अवकाश ग्रहण कर चुका हूँ, अब केवल मालिक बदला है, अब मैं अफसर के बदले भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। वह आदमी की तरह स्वार्थी नहीं है, वह अत्यंत निस्वार्थी होने से मेरे हित की बात करेगा, इसलिए मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार मनुष्य को गृहस्थी से परमार्थ करना सीखना चाहिए, यही अपने जीवन का सार है। आज का मुख्य विचार, अनन्यता के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं, उसी में भक्ति जन्म पाती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।